प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पीएम ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाली सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। पीएम ने नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर प्रदर्शनी भी देखी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। यहां गणतंत्र दिवस परेड समेत कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर पूरे देश की दृष्टि है। सभी देशवासी इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं। देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता? अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी।